दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह के लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे, ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। नमस्कार, मैं हूँ दिवांशली मोइत्रा। दिल्ली के हालात बहुत ज्यादा खराब। दिल्ली के कई अस्पताल सही तरीके से काम नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट कड़ा रुख अपना चुका है। ऐसे में दिल्ली में लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच जनता भी त्राहिमाम कर रही। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 24,235 नए केसेस सामने आए और पिछले 24 घंटे में कुल 395 लोगों की मौत हुई। इसी बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी में विरोध स्वर सुनाई देने लगे और इसकी शुरुआत हुई है मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल से। दिल्ली की हालत पर शोएब इकबाल ने अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। शोएब इकबाल की शिकायत है कि दिल्ली में मरीजों को न दवाई मिल रही है, न अस्पताल और न ही ऑक्सीजन। ऐसे में लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे। आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह के लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर मेडिसिन में उसको कहाँ से ला के दूँ, इंजेक्शन कहाँ से ला के दूँ। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए, बच्चियां तड़प रही हैं, कोई दे दो अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने MLA होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से MLA हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही MLA हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान हूँ कि सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे, ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। तो सुना आपने, क्या कह रहे हैं आप विधायक शोएब इकबाल। दिल्ली में हालात बेकाबू हैं, ना बेड्स हैं और ना ही ऑक्सीजन। और तो और कोरोना की इस लहर ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और अब अपने ही विधायक के उठाए सवाल पर क्या बोलती है केजरीवाल सरकार।